सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहां थोड़े ही शांति मिल सकती है। क्या बोले, शांति कहाँ मिलेगा? दुनिया वाले खोज रहे हैं शांति शांति शांति, सब अशांत है, सब कुछ है, करोड़ों रुपया कमाते हैं, लेकिन शांति कहाँ मिलेगा? शांति शांति, सब कोई शांति, मंदिर में जाते शांति, ये देवी देवता के पास जाते शांति, साधु संन्यासी के पास जाते शांति दो। और साधु संन्यासी भी क्या करते हैं, घर द्वार छोड़ के जंगल में जाते हैं, किस लिए? शांति। तो बाबा कहते हैं बच्चे सन्यासी शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु वहां थोड़े ही शांति मिल सकती है, वहां भी नहीं है शांति। एक कहानी भी है ना, रानी का हार गले में। एक कहानी था ना कि एक रानी थी, तो उसका हार हमेशा गले में पहन के रखती थी, नहाने जाती थी तो हार जो हार है वो उतार के नहाती थी, फिर पहन लेती थी। तो एक दिन हार वो गई नहाने तो उतारी नहीं, तो जब नहा धो के आई पहनने के लिए तो हार नहीं था, भूल गई उतारने। तो बोली कि अब मेरा हार कहाँ गया, मेरा हार कहाँ गया, मेरा हार कहाँ गया, इतना महंगा हार, 9 लाख का हार कहाँ गया कहाँ गया। पूरा राज्य में पूरा मंत्री को सबको बता दी, सिपाही को, कि जाओ पूरा हार खोज के लाओ, जो खोज के लाएगा उसको इनाम देंगे। कहीं हार नहीं मिला, कहीं हार नहीं मिला, पूरा सब थक के हार गया। उसके बाद अपना गला में चेक की तो देखी कि हम तो आर हार तो आज खोले ही नहीं थे। तो ये कहानी है, यह मिसाल है शांति के लिए। ऐसे ही शांति के लिए भी लोग भटक रहे हैं। शांति, बाबा कहते बच्चे शांति तुम्हारे गले का हार है, कहाँ खोज रहे हो? तुम्हारे गले में पड़ा हुआ है। लेकिन दुनिया वाले कहाँ भटक रहे हैं, चारों तरफ। किसी से पूछिए शांति है तो ना, शांति नहीं है, सब जगह शांति है। मैंने तो बाबा कहते बच्चे शांति कहीं नहीं, तुम्हारे गले का हार है। ये जो कहानी है ये शांति का मिसाल है। तो समझ में आया शांति कहाँ मिलेगा? शांति कहीं नहीं खोजना है, वो हमारे गले का हार है। वो शांति का सागर जब आते हैं बाबा, शिव बाबा, तो हमको ये एहसास दिलाते हैं। हम लोग भूल जाते हैं, तो बाबा आकर के हमको कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, और तुम आत्माओं का मैं बाप हूँ, शांति का सागर, और तुम हो शांति के सागर की संतान। शांति तुम्हारा स्वधर्म है। जैसे पानी को गर्म कीजिए, अपने आप ठंडा जाता है, नेचुरल। तो उसी प्रकार गुस्सा आप 15 मिनट करेंगे, 20 मिनट करेंगे, आधा घंटा गुस्सा करेंगे, उसके बाद ठंडा जाएंगे, तो शांति आ तो गया। तो शांति कहीं नहीं है, तुम्हारे ही पास है।